गुजरात के दाहोद में रेल हादसे के बाद बाधित रेल मार्ग को पुनः शुरू किया जा चुका है। रेल मंडल के कर्मचारियों ने बारिश के बीच दिन रात मेहनत कर रेल मार्ग को 36 घंटे में दुरुस्त कर दिया है। इसके साथ ही मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पुनः शुरू हो चुका है, जो पिछले दो दिन से अवरुद्ध था। आपको बता दें कि शनिवार देर रात नीमखेड़ा मंगल मोहड़ी के समीप रेल हादसा हुआ था। यहां मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसे के बाद दिल्ली दाहोद रतलाम से जयपुर जबलपुर मार्ग की कई गाड़ियां रोक दी गई थी, तो कई गाड़ियों को दूसरी और परिवर्तित मार्ग से शुरू किया जा चुका था। रेल मार्ग पुनः शुरू होते ही अब ट्रेन आवागमन के साथ ट्रेनें निर्धारित रूट और समय पर चल सकेगी। सीआरडी न्यूज के लिए दाहोद से पूनम प्रदीप प्रजापति ने इसको लेकर इंदौर रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा से रूट शुरू होने को लेकर चर्चा की। देखिए क्या कुछ कहा श्री मीणा ने। रतलाम मंडल के रतलाम दाहोद सेक्शन में जो मंगल मोहड़ी के पास में एक गुड्स ट्रेन डिरेल्ड हो गई थी, इसके वजह से तकरीबन 36 घंटे बाद में अभी हाल में ही इसको रिस्टोर कर लिया गया है। रिस्टोरेशन के बाद में 20 की स्पीड से रिस्ट्रिक्शन के साथ में जो ट्रेनें चलाई जा रही है, और आने वाले टाइम में ये सब नॉर्मल हो जाएगा। और इसकी वजह से कुछ ट्रेनें कुछ घंटों आगे आने वाले टाइम में देरी से चलेगी या इफेक्ट रहेगा, बट अभी जो ट्रैफिक है पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगा।